but her level, their next level. Shizan Khan, Dino James, and Dashni Kaur. Starting with segments where we can ask you questions and you all give answers the same. So first to Shizan sir, what's the favorite memory or experience when it comes to working on a TV set? बहुत सारी चीजें होती हैं कि जब set पे आप काम करते हो, you work for like 15-16 hours a day. तो बड़ा ना वहाँ पे आप have to be on your toes every time. आपका पूरा life, personal life आपकी कुछ खास बचती नहीं है. आप पूरा सेट पे रहते हो पूरा दिन. और खास मेमोरी ये होती है कि वहाँ पे जो आपको नए नए किरदार रोज देखने को मिलते हैं, यहाँ पे आपकी जो ऑन सेट की चीजें होती हैं वो करने में बड़ा मजा आता है. जैसे मेरा लास्ट शो था उसमें एक ग्रीन स्क्रीन पे अक्सर शूट होता था, वो तो वो करने में बड़ा मजा आता था कि समथिंग न्यू, कुछ नया करने को रोज मिल रहा है. आपको खाली इमेजिन करना है, आपको प्रिटेंड के सामने हो रहा है ऐसा. तो ये सब छोटे छोटे फन होते हैं जो वहाँ पे सेट पे करने में बहुत ज्यादा मजा आता है. Right, so something new every time makes it more adventurous definitely, and makes it fun every time. Definitely. Amazing. So Rashmeet ma'am, any event in your life when you realize that now this is a well-known artist that I want to pursue as my inspiration, and this is an artist that I want to take forward with, and I want to go with this genre ahead. Bada hi hai. Okay, so in short, like a person in your life who you see who as inspired me, and a genre. Watching that person, or in just general, because watching that person. Because generally, a lot of people inspire me on a daily basis. And अगर आप ऐसे concert देखने की बात कर रहे हो, तो मैंने John Mayer को देखा है Thailand में, and that was one of the most epic, unforgettable nights of my life. सो आई थिंक गुरदास मान साहब को देखा है मैंने लाइव परफॉर्म करते हुए. तो ऐसे बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जिनको देख के आप हर दिन सीखते हो. इंटरनेट इज द बिगेस्ट रिसोर्स सो आई थिंक इट्स एवरी डे लाइफ फॉर एन आर्टिस्ट टू गेट इंस्पायर्ड फ्रॉम पीपल. So I agree, like when I see people on stages at that time, even I feel like if I was in their place then it would be so great. But at the same time, talents like you, it definitely inspires. It pushes you more to learn more, Right. अगर आप एक इंसान को देखते हो कि उसके उसकी परफॉर्मेंस आपके दिल को छू रही है, तो आपका मन करता है कि आपकी भी परफॉर्मेंस ऐसी हो कि किसी ना किसी के दिल को छू रही. It makes a lot of difference. So I think that inspires you more when you watch an artist performing live, क्योंकि वो interaction, वो connection, it's a big thing. It's a very big thing. Yeah, totally. So Dino sir, what's the best part about being a contestant of Khatron Ke Khiladi? Free of travel, free of khana. So everything is free, everything is taken care of. So it's just chill, bro. I mean, you get to see so many things. Itni khoobsurat jagah hai Cape Town, itni pyari jagah hai. But everything is taken care of. You are with good people. Koi phone nahi aa raha hai, koi event nahi kar raha, gaane nahi likhne. Gaane likhna koi cool baat thodi hai, bahut mehnat ka kaam hai. तो वहाँ पर कुछ करना नहीं पड़ रहा है, चिल कर रहे हो आप, शेरों के बीच में हो आप, इतने अच्छे अच्छे लोगों के साथ में हो. सो एवरीथिंग अबाउट केप टाउन एंड खतरों के खिलाड़ी इज फैंटास्टिक. इट्स जस्ट चिल, जस्ट चिल एंड गेट पेड. सो यू स्पोक अबाउट गुड पीपल, योर एक्सपीरियंस विद एवरीवन हू हैज बीन अ कंटेस्टेंट इन खतरों के खिलाड़ी. एवरीबॉडी, एवरीबॉडी ब्रो, आई मीन टू आर सिटिंग हियर, एवरीबॉडी इज एक्चुअली फैंटास्टिक. मुझे लगा था सब लोग, पीपल विल बी लिटिल बिट एसोल्स, मुझे ऐसा लगा शुरुआत में, क्योंकि मैं टीवी में नहीं था, मैं लोगों के साथ में गया नहीं, लेकिन माय ओन कम्युनिटी, आई डू हिप हॉप, सो बहुत ज्यादा इंटरेक्शन होता नहीं है लोगों से. सो एक डर था एक्चुअली बहुत बड़ा, कि मैं तो बोल रहा था कि रोहित सर है, सब लोग हैं, एक्चुअली वहाँ पर जाऊंगा पता नहीं कैसे बिहेव करूंगा, किसी लोगों से मिलूंगा, पता नहीं क्या टैंट्रम देगा ये, पता नहीं क्या बोलेगी. तो खतरों से ज्यादा तो मैं लोगों से डर रहा था कि पता नहीं क्या होगा. बट टू माई सरप्राइज एवरीबडी इज फैंटास्टिक, एंड आई वॉज वेरी हम्बल टू सी एक्चुअली पीपल वर लाइक डूइंग सो गुड इन देयर लाइफ, बट स्टिल दे आर वेरी गुड. रश्मीत इज अ सिंगर, बट एग्जाम्पल शजान जितने लोग भी थे वहाँ पर, कोई भी ऐसा कोई नेगेटिव मैं बोल देता हूँ, अगर मुझे कोई जानता नहीं है तो मुझे सब लोग बहुत अच्छे लगे.
Yeah, totally. I mean, when we see it on screen, we can see so much fun happening. But behind the scenes, I can only imagine. Yeah, it was like disagreements. It was झगड़े थोड़े कुछ क्यों इतने intense हैं ना सब कुछ हो रहा है आप कहाँ से लटका दिया कहीं से भीग दिया कहीं से टंगा दिया है कुछ खिला रहे हैं कुछ पिला रहे हैं आपको क्या पता तो उसमें थोड़ा बहुत इंसान थोड़ा mood swings होता है you are like you know up late night आपने खाया नहीं है ढंग से temperature is so down sometimes it's so hot so any you are peak से so but people are nice. Right. So, we've seen everything that's happened on screen. But apart from that, all three of you, this is a question for all three of you, that one of the most fun moment that you had with the contestants or with the crew or while shooting, during the shoot of Khatro Ke Khiladi. Initially, I want to tell you, when we reached there, so we all wanted to explore Cape Town. So, we were very fun. Yeah. It was fun. वहाँ पे लोकल जितने भी वहाँ पे म्यूजिशियंस थे मैम ने बहुत वहाँ पे नाच नाच के गा रखे सबके साथ तजुर्बेबंदी रखी थी yeah. और मैं वहाँ पे सबका लगा बना फोटोग्राफर था एवरीबॉडीज पिक्चर सो वहाँ पे हमारा वो एक बड़ा ऑथेंटिक सा बॉन्ड बन गया जो थ्रू आउट हमें गेम में ना बहुत फायदा दिया जिसने क्योंकि वहाँ पे आप अपनी फैमिली से दूर हो घर वालों से दूर हो दोस्त यार नहीं है तो यही लोग थे वहाँ पे और माशाल्लाह आई फील वेरी ग्लैड एंड हैप्पी कि मैंने दोनों के साथ स्पेंड किए हैं इन बाबा दोनों बहुत स्ट्रॉन्ग बैठे ये सूरज चंदा बहुत स्ट्रॉन्ग है बाबा एंड यार टॉकिंग अबाउट स्ट्रॉन्ग खतरों के खिलाड़ी में कंटेस्टेंट होना आल्सो टेक्स अ लॉट ऑफ गट्स सो कांग्रेचुलेशंस टू दैट सो दैट वाज अ फन मोमेंट व्हाट अबाउट अ फनीएस्ट मोमेंट रश्मि मैन दिस फ्यू फनीएस्ट सी एवरीबॉडी इज वेरी फनी व्हेन इट कम्स टू बिहाइंड द सीन्स यू नो ऑन स्क्रीन हम तो ये तो ऑन कैमरा भी बहुत फनी थे कि आपको बोला जा रहा है कि आपको स्टंट करना है हाथ जोड़ने की नहीं कर सकते हम ये नहीं करेंगे तो वो अपने आप में बहुत सारी फनी चीज थी रोहित शेट्टी सर वाज रियली फनी ही वाज वन ऑफ द डैम आई मीन ही वाज द फनीएस्ट आउट अमंग्स ऑल क्योंकि उन्होंने इतने टाइम किया है ना ये इट्स जस्ट लाइक अ थिंग सो एवरी जोक ही यूज्ड टू क्रैक इट वाज स्पॉट ऑन मतलब सबकी वाट लगाना सबकी मुझे भी लगा Nothing actually, मैं तो बोलता ही हूँ सब लोगों से कि I don't actually have a hip hop background. I never actually went for cyphers. I have an Eminem tattoo actually here. So yeah, all I used to listen to was you know 50 Cent, Eminem, Dr. Dre, and Snoop Dogg. चार ही लोग थे वो पूरे if you guys know actually. Yeah. पूरे Interscope clan और पूरे Aftermath और Shady Records clan जितने भी थे उन लोगों में से होता था. And I thought I'll just crack. अभी तो hip hop है फिर. Can you guys hear me? Is it Jordan? अभी तो लोगों को बहुत आइडिया है इस चीज के बारे में लेकिन पहले तो पता ही नहीं था ना इट्स लाइक फॉलोइंग अ बॉडी बिल्डिंग प्रोफेशन दैट यू नो देयर आउट इन वेस्ट पीपल अर्न मनी लेकिन यहाँ पर तो कुछ किसी को पता नहीं था सो वी डिड इट प्योर आउट ऑफ पैशन कि मुझे लगा था कि आई जस्ट वांटेड टू स्पीक So when I wrote my first song, I thought ki, okay, I think I'm very good at it. मुझे लगा कि I felt very powerful writing that song. यार ये एक section है मुझे लग रहा है कि यार यहाँ पर मैं कुछ कर सकता हूँ क्योंकि जितने भी professional इतने try किए ना मैंने वो confidence नहीं है तो यहाँ लग रहा था कि नहीं यार bro, if I wrote my first song called girlfriend, very abusive. किसने सुना है girlfriend यार? Yes. और लड़कियों ने सुना है wow यार. गा दो मैंने नहीं सुना गा दो नहीं मैं thank you. गा दो यादें यार यादें मेरे सेकंड सॉन्ग लिखा था गर्लफ्रेंड तो मैंने यादें गर्लफ्रेंड और लूजर लिखा था उसके बाद मैंने कुछ नहीं लिखा लूजर बीइंग इंडिया पे आया था सॉरी बीइंग इंडिया पे लूजर बीइंग इंडियन या बीइंग इंडियन सो उसके बाद मैंने बोला कि अगर ये तीनों गाने नहीं चले ना देन आई एम नॉट डू हिप हॉप क्योंकि उसके बाहर का मुझे कुछ मालूम नहीं था इतना ही था सो गॉड इज बीन काइंड उसके बाद ऑल द थ्री सॉन्ग्स फ्लू वेरी वेल बस उतना That journey was like you started from scratch, thinking that absolutely nowhere. I was just used to, मतलब ना singing का background, ना hip hop का background, ना कुछ भी नहीं था. And my mentor used to think that वो हमेशा मुझे बोलते थे कि यार you'll be a writer. तो उस वक्त मैं acting पता नहीं क्या कर रहा था. I don't even know. I was doing everything. So he used to tell me that you can try whatever you want to try, but तू लिख कर ले कि तू writer बनने वाला. मैंने क्या फालतू मनुष्य बात है यार.
कैमरे के सामने, तो ऊपर वाले ने ऐसा बीच वाला रास्ता निकाला. सो आई एम अ राइटर एंड आई एम डूइंग व्हाटएवर आई एम डूइंग. इट्स कूल. अमेजिंग. सो नाउ वी हैव समथिंग यू नो लाइक अ फन सेगमेंट वेयर इन we'll play games where we have two different games. One of the games is who's most likely to, where you know I'll ask you questions and then you all can point towards each other and you know it's like a pointing game where in yaar ye zyada acha hai wo kaam karta hai waise. Okay, so the first question is who's most likely to spend an entire day binge watching a show? क्योंकि साउथ अफ्रीका में भी आई रिमेम्बर ब्लैक मिरर आया था. ब्लैक मिरर आया मेरा स्टंट आ रहा था. आई डोंट इवन नो वन वेब सीरीज. मैंने ब्रेकिंग बैड के अलावा कुछ नहीं देखा है. उसके बाद मैंने कुछ नहीं देखा. मैंने गेम ऑफ थ्रोन्स भी नहीं देखा. डिसअपॉइंटमेंट द लास्ट गेम ऑफ थ्रोन्स इज समथिंग सो वर अच्छा. आई रिकमेंड लास्ट टू सीजंस ब्रो. किलर ना ब्रो. घटता हो गया. ओके रश्मि मैम यू लाइक बिंज वाचिंग एनी पर्टिकुलर फेवरेट शो? I saw so many shows. I love Black Mirror. I love Schitt's Creek. I love Emily in Paris. I love Black Mirror, Breaking Bad. I love You. So many. So many. Thank you. मतलब literally मैं behind the scenes ऐसा Black Mirror जब आया था, we were in Cape Town, so I was literally eating my lunch and watching it on my phone like that. Okay, so second question, who's most likely to abort most of the tasks of the day? Everybody, that's one best thing about this season is सबने अपना best दिया. सबने अपना जितना वो नहीं कर सकते थे ना, चाहे रो के किया चाहे कैसे भी किया, बट उन्होंने किया. I mean, yeah, 100%. I mean, अगर वो टास्क सपोर्ट करने का अगर किसी के पास ऐसा होता देन खतरों के खिलाड़ी जहाँ पे इतना खर्च लगता है. 100%. Yeah, perfect. So, third question is, who's most likely to be the first one to laugh at a very serious moment? Any particular serious moment? No, you used to get bored na. मतलब डिम्बर खड़े रहते थे जब यू नॉट एक्चुअली डूइंग स्टंट. तो ऐसा लगता था कि बॉडी ऐसा होती जब हंस लेते. सो द बेस्ट फनी मोमेंट किसी ने बोला ह्यूमन ट्रेजेडी. तो किसी को लगती थी कोई गिरता था करंट लगता था तो बहुत मजा आता था. मजा वहां जब रहते थे तो बुरा था लेकिन दिखने में बड़ा मजा आता. I mean, एक बार वो दोस्तों के साथ ऐसा बॉन्ड बन जाता है ना, फिर वो गिरते हैं पहले हंसी आती है फिर मदद आता है. ओके सो नेक्स्ट वन, हु इज मोस्ट लाइकली टू एक्सीडेंटली टेक्स्ट अ रॉन्ग पर्सन? मतलब ऐसा टेक्स्ट किसी और के लिए मेंट था बट मतलब फोन अपने हाथों में नहीं थे लेकिन मैं बहुत डिसलेक्सिक हूं तो मैं किसी को कुछ कर देता हूं. शिट सॉरी यार. ओके सो हु इज मोस्ट लाइकली टू बी लेट फॉर अ शूट? लेट वाले यहाँ पर है नहीं. काम के लिए तो लेट नहीं हो सकता. लेट वाले अभी यहाँ है नहीं, अभी आएंगे नेक्स्ट. वो भी पहुंचे नहीं है, वो भी क्या हो गया. मेकअप चल रहा है. ओके हु इज मोस्ट लाइकली टू स्पेंड ऑल देयर मनी ऑन फूड? व्हाट काइंड ऑफ फूड? एनीथिंग लाइक यहाँ पे फूड का दीवारा कौन नहीं है. एनी फूड फैन? उसके लिए तो इंसान जी रहा है. क्यों कमा रहा है, क्यों खा रहा है? खा रहा है ना भाई, वो मेन है, वही चाहिए और क्यों चाहिए. अरुण भाई का ये सैंडविच खिलाया ना अभी आपने. Because sometimes the food is just being cooked in front of me, it's not mine, so I have to resist. Varna kyun resist karna hai? Okay, so who's most likely to cancel a plan last moment? I. Always. I never cancel a plan. I always cancel. Oh. Why? I mean, yeah, me also. Last moment, but thodi aalas aati hai, to kabhi kabhi cancel karna. Okay, who's most likely to win the title of Daredevil of the season? मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ इन दोनों में से किसको. नहीं बहुत लोग थे, हम दोनों अकेले नहीं थे, बहुत लोग थे एक्चुअली. इवन शजान वाज, इट्स नॉट अबाउट विनिंग एक्चुअली, इट्स अबाउट अटेम्प्टिंग. सो विनिंग और लूजिंग एक्चुअली इट्स नॉट अबाउट विनिंग अ पर्टिकुलर स्टंट, इट्स अबाउट यू आर स्कैर्ड स्टिल अटेम्प्टिंग इट. आई मीन एग्जांपल, बहुत सारे लोगों को पानी से प्रॉब्लम था. मैं कंफर्टेबल हूँ तो मैं कहाँ से गटसी हो गया. मैं तो कंफर्टेबल हूँ ना. तो जो कंफर्टेबल नहीं था उसके बाद भी वो अटेम्प्ट कर रहा है,
उसमें ज्यादा ताकत लगती है. तो जितने लोग थे जो कंफर्टेबल नहीं थे, कोई लोग शौक से नहीं थे, कुछ लोग हाइट से नहीं थे, कुछ लोग पानी से नहीं थे, उसके बाद भी दे यूज्ड टू अटेम्प्ट. वो बहुत बड़ी बात थी क्योंकि कुछ चीजें थी. एग्जाम्पल, मेरे को फोबिया है, आई गॉट क्लॉस्ट्रोफोबिया. सो वाज अ स्टंट, मैं फिंगर्स क्रॉस कर रहा था कि अगर मुझे मिलता शायद मैं नहीं करता. बट सांडोस डिड इट, शी वाज फोबिक. सो आई थिंक दैट इज अ वेरी मीनिंग. इट्स नॉट द इट्स अ स्मॉल थिंग, लेकिन टू अटेम्प्ट इट, दैट इज अ. अरिजीत वाज वेरी स्कैर्ड ऑफ हाइट्स, वेरी वेरी स्कैर्ड ऑफ हाइट्स. ही हैज अ वर्टिगो and he has some phobia. और वो ऐसा दिखने में मक्खन लगता है, it's very scary. हाँ, बिल्डिंग के बीच में आपको डाल दे तो एक बार गिर गया और नीचे गिरने का, तो वो रोने था. उसके बाद भी उसको मिला, उसके बाद उसने मना नहीं किया, उसने किया, कर नहीं पाया वो. लेकिन तो वो सब करना, इसको स्विमिंग नहीं आती थी, he almost drowned, but he attempted. Yeah. So everybody was a daredevil. 100%. A huge applause for them before we move to the next round. Let's leave the floor open for the audience to ask questions, because I'm pretty sure ye log ke paas bhi kafi sawal hoge jo the better. So yeah, anyone in the audience wants to ask a question? Can you have the lights on? Light jala do. Abhi dikhe sab log. So first of all, the main reason I watched Khatro Ke Khiladi throughout the years, first was Rohit sir. So the main question is, how was your guys' experience, you know, working with Rohit sir, except for the fun, like did you guys get the chance to लर्न ड्यूरिंग द शो ओनली, बिकॉज उसके अलावा हमारा बहुत इंटरेक्शन नहीं हुआ, क्योंकि कट टू कट चलता था ना, एवरी डे वॉज सो पैक्ड. यहाँ से बोल के लेके जाते हैं, सेलिब्रिटीज लेके जा रहे हैं, वहाँ पे कंटेस्टेंट हो जाते हैं, हम जाते ही हैं. हाँ, कट टू इंटरेक्ट मच, करेक्ट. बट अपार्ट फ्रॉम दैट, रोहित शेट्टी इज वन पर्सन हु मोटिवेट्स यू अ लॉट, एंड इफ व्हाइल परफॉर्मिंग अ स्टंट यू लिसन. I was listening to him, you know, all throughout. And I'm focused, I'm a focused person in my life, generally. So he used to, whenever he's speaking, that motivates you to do more. That motivates you to take one step ahead, you know, further. So I think, क्योंकि उन्होंने उनको इतना experience है stunts में, वो stunt man भी रह चुके हैं, वो इतने लोगों को stunts करवा चुके हैं. So I think, a person like that, you have to listen, you know, you have to pay attention to what he has to say. So whenever he's saying that press this foot, press this, ye karo ya ye karo, dekha hi hoga aap sab, exactly, you know where I'm coming from. So I think that was one quality that I really really appreciate about him, admire about him, that he used to motivate each and every contestant. Usi shiddat kitne sare stunt to humne unki motivation ki wajah se hi kar liye. Yeah, because baat hai warna कि बहुत मुश्किल है भाई. अभी देखने में लगता है वो सब हंस रहे हैं, वो चाय बना रही है, वो मजाक उड़ा रहे हैं दूसरे का, विच इज ओके, मसाला इज फाइन. बट व्हेन इट कम्स टू स्टंट, जो वहाँ पर लाइटली इज गोना टेक योर केस, या जो वहाँ पर कर रहा है ना स्टंट, सिर्फ उसको ही पता है बस, और किसी को नहीं पता. जो खड़ा है उसको भी नहीं पता, उसके अलावा अगर किसी को पता है तो वो रोहित शेट्टी है. दैट्स इट. According to you guys, what's the worst type of stunt you be? मतलब अगर किसी के लिए height का stunt हो गया तो किसी का water stunt हो गया? Shock, घटिया. मतलब you cannot prepare yourself for shock. It's so bad. But Aishwarya did it pretty well because she did it like she could take. So I think it's about tolerance also, ki kaun kitki body kitna le sakti. But if you talk about disgust, I remember that cyclist friend when it squid gira tha hamare. Oh my god, bro, everything is hard na in life. Hum thodi na roz chhat pe jaake building ke beech mein jaake sote hain ya fir pani ke niche jaake wo karte hain, kuch bhi karte hain. So all I'm saying is it's everything is tough. Sabki apni apni ek dar hota hai. Jaise mera dar pani hai, क्योंकि मैं इतनी कंफर्टेबल नहीं हूँ स्विमिंग की, मैंने उतनी स्विमिंग नहीं की है लाइफ में जो करनी चाहिए हर इंसान को. इंडिया में उसको उतनी प्रायोरिटी नहीं दी जाती जो बाहर देशों में दी जाती है, जो कि है एक चीज़, यू नो. बट आपको नहीं पता, मतलब मुझे नहीं पता था कि मैं बिल्डिंग पे ऐसे चल लूँगी, मतलब मैं रोज नहीं चलती, राइट. तो वो मुझे अपने बारे में सब पता चला जब मैंने किया, उस सिचुएशन में आई, भगवान को साथ में रखा तो वो हो गया, यू नो. सो ऐसे ही आई थिंक For Dino, it was electric shock, and for me also, I got electric shock. So I understood कि कितना भाई बहुत मुश्किल है ज़िंदगी, मतलब खतरों के लड़ी में. Dino sir को वो electric shock वाला पूरा सीन है. पागल पन है ये, बहुत ही पागल. क्या था वो दिन? वो ऐसा लगता है chopper वापर आते हैं, वो सब easy लगता है. Shock तो दिन ऐसी फटेगी ना, रोएगा तो चार दिन. ये बात कभी नहीं करूँगा मैं shock वाला. Thank you. Okay, anyone else? Yeah.
How was your experience living in the jungle at the beginning of the show? All three of you. Yeah, I mean it's a beautiful thing. Yeah, but I'm free में कहाँ घूमने घामने मिल रहा है. क्या चाहिए आप? ये सफारी कितनी 3-4 हज़ार रुपए देने पड़ते हैं. वहाँ जाओ घूमो फिरो. It's beautiful. See, we saw rhinoceros. I'm a few of jungle guy, so I don't like city actually. तो कहीं भी बाहर जाने का प्लान करता हूँ, जंगल में ज़ू है कि नहीं. मैं लंदन भी गया था, सब तुमने ज़ू गया था. So I, so it's a beautiful experience to see animals, trees, birds, different kind of lakes. So majestic है. Cape Town सबको जाना चाहिए एक बार. कि बहुत बड़े बड़े लोग ना बोलते हैं कि ये अच्छा है, वो अच्छा है, पेरिस वेरिस सब अच्छा है. Guys, you should, वो सस्ता है. It's not, yeah, I'm not kidding. It's not very expensive. It's very cheap. So you should, guys should go to Cape Town. It's a beautiful city. It's very underrated. You guys will absolutely love it. मम्मी आपको को बिना बताए बोलो यहाँ वहाँ निकल जाओ. So, one question. Dino, sir, even I'm having a dog. So, what was your feeling when you wrote Hancock? Nothing. I just lost him. So, so that time specifically, I used to write about what's going on in my life. Even I tried to do that, but it was a corrupt program. पहले तो purely वो लिखता था. तो वो एक आपको तो पता है ना कैसे आपके ज़िंदगी का part मिल जाता है. और कुछ breeds तो और ज़्यादा ही वो lab तो ऐसा बच्चा ही हो जाता है आपका. So it was more attached to my mom. So we realized what he was until we lost him. So उसके बाद अभी तक हिम्मत नहीं आ पाई मेरे अंदर एक you know any kind of pet adopt करने की because you already feel the example you know how you not get into a relationship thinking about the breakup कि यार breakup हो गया तो इसलिए मैं उसके पास ही नहीं आता हूँ तो ऐसा हो जाता है कि once you know the painful thing so I don't think I will ever be ready to get a dog again. That's beautiful, right? You should tell me. Okay, anyone else of you? Yeah? I'm a diehard fan of KKK, Khadrake Khiladi. So I want to ask, I've seen past down years. So like there were dancers who win like most of the years. So what's the thing, like this time is it going to be a singer or an actor? Oh. 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 Boss, मुद्दे पे हैं, मुद्दे पे, सीधा मुद्दे पे. मुद्दे की बात किया सीधा. हमें पता ही नहीं. हम जानते ही नहीं जी करंट वाले अगर यहाँ पे तो हम बिल्कुल नहीं जानते नहीं एक्चुअली वी डोंट नो सर वी डोंट नो बिकॉज़ द टाइमिंग एंड एवरीथिंग इज सो व्हाट दे डू इज एक्चुअली दे डू अ स्टंट बट दे विल नॉट रिवील द टाइम और सब लोग क्योंकि एंड के 5-6 लोग सब लोग तो एकदम कर कर के वहां तक पहुंच ही गए थे सो एक्चुअली उनको मालूम बता दिया लग जाएगा थोड़े दिन हां एक डेढ़ महीना और ओके एनीवन एल्स चार बार पोटी जाता था इससे चार बार कॉन्फिडेंस इतना डर लगता है ना इतना डर लगता है कि जब आदम तो चॉपर की आवाज इतनी लाउड और पानी इतना ठंडा था कि यू विल डाई सो कॉन्फिडेंस तो सबसे धुरंधर लोग को भी कॉन्फिडेंस नहीं आ सकता होगा वहां पे एक चीज हम समझ गए थे कि यू जस्ट फेक द कॉन्फिडेंस की शक्ल पर ही दिखनी चाहिए बड़ी बड़ी एक्चुअली कैमरा तो हम करते ही हैं ये टीवी में वो म्यूजिक वीडियोस हर दिन करते हैं मैं सिंगर हूँ म्यूजिक वीडियोस तो वो सब कैमरा फेस करना इज वन थिंग कैमरा पे बोलना इज वन थिंग कि चलो हेलो अब हम जा रहे हैं स्टंट करने हम फाड़ के आएंगे वी विल बी लिमिटलेस वो सब करना इज वन थिंग यू नो कि ये बोल दो आप ये बोल दो बट उसके बाद जो अंदर जो चल रहा होता है ना वो आप ही बता सकते हो उसके अलावा कोई देख नहीं सकता और फिर जब आप वहां पे पहुंच जाते हो देन इट्स ऑल भगवान भरोसे फिर तो मतलब क्या ही होगा सो आई थिंक इट्स वेरी इट बिकेम इजियर फॉर अस बिकॉज वी आर यूज्ड टू द कैमरा But the stunt part of it was the real game. Yeah. Talking about stunt or stunt, right? You said, how did you overcome the confidence for being on camera? You have to. पैसे पहले ना सबके. करना पड़ेगा. Sign. Right. So I feel like you know more than the physical presence over there to do the stunt. It's more of a mental game. 100%. So that mental game को overcome करने के लिए what is the one mantra that you use? मतलब Is it something that you tell to yourself every time that you know helps you overcome things or is it someone you think of that